सो गाइस अभी तक मैं यूज़ कर रहा था वन प्लस सिक्स, लेकिन आज से मैं यूज़ करने लगूंगा ये जो कि हुआवे का P30 Pro। और यार ये फ़ोन सच में 70,000 रुपये का है, और सच में यार ये फ़ोन लगता है कि भाई 70,000 रुपये का है। तो यार आज मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ कि यार इस फ़ोन के अंदर ऐसा क्या खास है, क्या आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये फ़ोन सच में यार इतना बढ़िया क्यों है। और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों से कंपैरिजन मिलने वाला है वन प्लस 7 प्रो और गैलेक्सी S10 प्लस वर्सेज हुआवे P30 प्रो का। तो ये तीनों डिवाइस जो है मैं एक ही वीडियो के अंदर जो है बिल्कुल ऐसे ताबड़ तोड़ वाला कंपेयर करने जा रहा हूँ। यार आप लोग उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहना, काफ़ी जल्द वो वीडियो भी आने वाली है। बट स्टार्ट करते हैं आज की हुआवे P30 प्रो के साथ। तो ये है यार हुआवे का P30 Pro, जैसे कि आप देख सकते हो सामने की तरफ में 6.47 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है आप लोगों को, जो कि यार फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है और एक OLED डिस्प्ले है। और यार सच बताओ तो OLED डिस्प्ले जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, और जैसे कि आप देख सकते हो बेजल्स वाइज जो है ये फ़ोन आप लोगों को ज़्यादा बड़ी मोटी बेजल्स देखने को मिलती, लेकिन हाँ अगर आप इसे कंपेयर करते हो इसे कॉम्पिटिशन से तो हाँ आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है बेजल्स के अंदर हल्का फुल्का ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी जब मैंने इस फ़ोन को हाथ में उठाया, तो यार ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है यार, मतलब लिटरली अगर आप इस फ़ोन को हाथ में उठाते हो तो बिल्कुल मेल्ट सा हो जाता है आपके हाथ के अंदर, चाहे वो पीछे वाला ग्लास हो फिर आगे वाला ग्लास हो, हर साइड से वो पूरा बढ़िया तरीके से मेल्ट हो जाता है। और होल्डिंग एक्सपीरियंस अगर बताऊं यार इस फोन का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। सो गाइस ये जो वीडियो होने वाली है इसकी डेडिकेटेड रिव्यू नहीं होने वाला बिल्कुल भी, इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज जो आने वाली हैं तो डेडिकेटेड रिव्यू मैं थोड़े दिन के अंदर बताऊंगा, और मतलब जो भी इसके अंदर मेरे को अच्छा लगा, जो भी मेरा फेवरेट ये फ़ोन क्यों है, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। बाय द वे इसका आप ये कलर देखो है ना कितना अमेजिंग यार, ये कलर यार सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आइसी लेक्स और लाइक मतलब आइस ऊपर जैसे देख सकते हो वाइट जैसा लगता है, नीचे आते आते ग्रेडिएंट के अंदर ब्लू पर्पल, और ये मिस्टिक सा कलर यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। कैमरा पे यार ये कैप्चर होना हो, लेकिन इसके अंदर यार जब आप इसे आंखों से देखते हो ना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, और सच में यार लगता है कि आप लोगों ने एक 70 या इतना महंगा फ़ोन हाथ में ले रखा है। जैसे आप ऐसे कान पे लगाओगे तो लगेगा हाँ भाई कुछ चीज़ महंगी है। और अगर बात करी जाए कान पे लगाने वाली, तो भाई एक जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगी इस फ़ोन के अंदर, जो कि मैंने पहले भी टेस्ट करी थी, लेकिन यार जब खुद आता है हाथ में फ़ोन तो कुछ अलग मज़ा सा आता है, मतलब एक्सपीरियंस मिलता है, और वो ये कि जब आप इस फ़ोन को लाइक इसमें कोई एयर पीस नहीं है सामने, तो ये बेसिकली यहाँ पे आप लोग कोई भी एयर पीस नहीं मिलता है इस फ़ोन के अंदर, स्क्रीन जो है वाइब्रेशन वाला जो सिस्टम था वो होता है, और जब हम लोग इसे बात करते हैं इस तरीके से कुछ तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग लगता है कि यार स्पीकर है नहीं फिर भी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, क्रिस्प आ रही है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इनोवेशन मुझे लगी इस फ़ोन के अंदर लगाई गई है। हालांकि यार इस फ़ोन के अंदर एयर पीस लग सकता था जो कि ट्रू होता है, बोला आप लोगों को बढ़िया बिल्कुल अच्छी क्वालिटी मिलती है, लेकिन पता नहीं यार क्यों नहीं लगाया उन्होंने, जब और कंपनीज कर रही थी कर सकते थे, बट फिर भी उन्होंने वो चीज़ को ऑप्ट कराया जो कि सही है वो भी, लेकिन देखते हैं आगे कितना ज़्यादा कारगर रहती है। सो गाइस इस फोन के अंदर सारी की सारी बेल्स एंड विसल्स हैं, चाहे फिर वो आप लोग इसको परफॉर्मेंस की वाइज, तो क्रिन 980 प्रोसेसर है इसके अंदर, EMUI 9.1 मिलता है आप लोग इस फोन के अंदर, साथ ही साथ 8GB रैम है, 256GB की इंटरनल स्टोरेज है, 4200mAh की बैटरी है इस फोन के अंदर, मतलब ये फोन जो है फुली पैक्ड अप है NFC से लेकर ब्लूटूथ 5.0, USB टाइप सी पोर्ट विद अ फास्ट चार्ज 40W, मतलब यार हर एक चीज़ आप लोग जो भी सोचो इस फोन के अंदर है, और साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है बेसिकली रिवर्सेबल, तो मतलब आपका फ़ोन से अगर आप दूसरे फ़ोन को अगर ऐसे टच करवाते हैं तो इस फ़ोन की जो वायरलेस चार्जिंग है वो अनेबल्ड हो जाती है, जो कि गैलेक्सी S10 प्लस के अंदर ही फीचर था। तो ये फ़ोन जो है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा महंगी मस्ती वाला फ़ोन है। अब यहाँ पे मेरे साथ में Realme C2 पड़ा हुआ था, और मैं दोनों फ़ोनों को हाथ में उठा के एक बार चेक करना चाहता था कि यार दोनों फ़ोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या देखने को मिलते हैं, एक कुछ ज़्यादा ही महंगा फ़ोन है और एक कुछ ज़्यादा ही सस्ता फ़ोन है, दोनों ही 7-7 हज़ार, मतलब दोनों के अंदर ही 7-7 का आंकड़ा है, एक 70,000 का एक 7,000 का है, तो आप लोगों सामने है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, और भाई मतलब लगता है यार कुछ चीज़ है, लेकिन 7,000 वाला फ़ोन ही बढ़िया है, रियलमी मस्त है भाई ये। तो यार ये जो फ़ोन अभी तक मैंने जितना भी तक मतलब मेरे को आज ही अभी आया था थोड़ी देर पहले ही, जितना मैंने अभी तक इसको चलाया यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये फ़ोन, और अभी मेरा ऐसा होता है कि मैं प्राइमरी फ़ोन कभी शिफ्ट नहीं करता अपना, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा डेटा रहता है मेरे वन प्लस 6 के अंदर, लेकिन मैंने फाइनली यार वो शिफ्ट करा अपने P30 Pro के ऊपर, मेरे को देखना था यार ये फ़ोन किस तरीके से हैंडल करता है सारे के सारे टास्क, सारी सारी गेम्स, और कॉल ऑफ ड्यूटी के ऊपर भी यार एक अमेजिंग वीडियो कल सुबह आने वाली है, तो यार उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना। कॉल ऑफ ड्यूटी एकदम से याद आया मुझे, वो भी आप लोगों को बता दूँ, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो वाली वीडियो भी आप लोगों को कल सुबह मिल जाएगी, और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो ऐसी वैसी नहीं होने वाली, कॉल ऑफ ड्यूटी जो मोबाइल वाली उसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आ रही कल सुबह, तो स्टे ट्यून यार। अगर बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाई है तो भाई वो बेल वाला आइकन दबा दो, क्योंकि नोटिफिकेशन जरूरी है, ठीक है ना, ध्यान रखना।
तो अभी जो है इसके अंदर मैं पिक्सल लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली, और EMUI वाला मेरे को फीचर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, बट अभी मैं बेसिकली इसके अंदर पिक्सल लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ और पिक्सल लॉन्चर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है इस फोन के अंदर, और उसके साथ साथ मैंने पिक्सल आइकन पैक लगा रखा है। तो ओवरऑल ये फोन जो है मैंने पूरा कस्टमाइज़ कर लिया अपनी लाइकिंग के हिसाब से कि मुझे इस फोन के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि यार होता क्या है ना, जब हम कोई भी फ़ोन लेते हैं तो हमारे को जिस फोन से हम शिफ्ट हो रहे होते हैं, जैसे वन प्लस सिक्स स्टॉक एंड्रॉयड फील देता है, तो मेरे को वही चाहिए थी अपने फ़ोन के ऊपर ताकि मैं फेमिलियर सा फील करूँ, तो वही सेम है। बाकी यार ये फ़ोन के अंदर एक चीज़ मुझे और जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी वो है क्रीपी मोड, मतलब 40 MP का इसके अंदर आप लोगों को कैमरा मिलता है, लेकिन इसके अंदर एक कैमरा है जो कि टेलीफोटो लेंस है, और इसके अंदर ऑप्टिकली 50 times तक आप जो है जूम कर सकते हैं, और भाई वो सच में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी मोड है, मतलब अगर आप लोग अपनी बालकनी में खड़े होकर दूसरे की बालकनी में झांक सकते हो भाई, इतना ज़्यादा क्रीपी मोड है वो, और मतलब अजीब सा लग सकता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब स्टेबलाइजेशन जो है अप टू 10x जूम काफ़ी ज़्यादा मस्त काम करती है, बट 50 times पर ले जाने के बाद यार काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टेडी रखना पड़ता है आपको हाथ, ताकि आपको एक अच्छी फोटो मिल सके। इसके ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ डेडिकेटेड, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहो यार, क्योंकि मुझे फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, और सच बताओ तो यार इतना महंगा फ़ोन बड़े टाइम बाद चला रहा हूँ मैं, मतलब समझ जाओ अंदर से ऐसे सस्ता जानवर बाहर निकल के आ रहा है। और फिर यार ये जो फ़ोन है मेरे को सच में यार पसंद आ रहा है, अभी इसका कलर देखो क्या लग रहा है यार, कलर मतलब है नहीं अमेजिंग। तो गाइस ये है मेरा नया फ़ोन Huawei का P30 Pro, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये फ़ोन जबरदस्त है या नहीं, मुझे तो लगता है काफ़ी ज़बरदस्त है। मिलता हूँ यार आपसे एक और SKC वीडियो के अंदर, लाइक कर दो वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।